हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं कि बहुत टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो आई एम सो सॉरी। यह हमारा करंट अफेयर्स सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूं, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जीके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है हु हैज बीन लॉन्च्ड यूथ कंपनी लैब। वह कौन है जिन्होंने यूथ कंपनी लैब लॉन्च किया है? तो यूथ कंपनी जो लैब है वह अटल इनोवेशन मिशन AIM, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा लॉन्च की गई है। अटल इनोवेशन एम, नीति आयोग और UNDP का यह एक संयुक्त और साझा उपक्रम है। इसका जो लैब खोली गई है उसका जो एम है, एम की बात की जाए तो एम है एक्सेलरेटिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन यंग इंडिया, और इसके थ्रू जो यूथ है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी यूथ का प्रोग्राम है वह गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहेगा और गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी। नेक्स्ट, वेयर वाज द 3 डेज 5th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी हेल्ड? कहां पर 5वीं विश्व साइंस रिलीजन यानी कि धर्म और फिलोसफी की पार्लियामेंट हेल्ड होगी, संसद लगेगी? तो वह जगह है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में। और जो इसका थीम है, जो 5th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी है, उसका जो थीम है इस साल का, वो थीम क्या है? रोल ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी फॉर वर्ल्ड पीस एंड वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक सेटअप? भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो वह मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और वहां के गवर्नर हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू लोकपाल ऑफ पंजाब? पंजाब सरकार ने किसे नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार शर्मा को, जिन्होंने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। ये रिटायर हो चुके हैं और पंजाब जो लोकपाल है, पंजाब में जो लोकपाल है वो 6 वर्ष के लिए इन्हें पंजाब सरकार ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वाज द अमेरिकन एक्ट्रेस सिंगर एंड मॉडल पासेस अवे? हाल ही में अमेरिका की एक्ट्रेस, अभिनेत्री, गायिका और मॉडल का निधन हुआ है, वह कौन है? तो उसका सही उत्तर है डियान कैरोल, जिनको कि ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था और इन्हें अमेरिका का गोल्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट, हु हैज वन द चाइना ओपन हेल्ड इन बीजिंग चाइना? चाइना के बीजिंग में आयोजित चाइना ओपन को किसने जीता है? तो उसका उत्तर है जापान की नाओमी ओसाका ने। और इन्होंने किसे हराया है?
तो जो हारने वाली जो खिलाड़ी थी, लूजर थी, वो कौन थी? एसली बार्टी। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन एट गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑस्ट्रिया की क्रिस्टीन वॉल्फ ने। हु वॉज द विनर ऑफ जापान ओपन टाइटल, जापान ओपन टाइटल के विजेता कौन है? नोवाक डी जोकोविक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हु हैव बीन लॉन्च्ड इको फ्रेंडली ग्रीन फायर क्रैकर्स विच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। भारत में उत्पादित फायर क्रैकर्स, पटाखे, इको फ्रेंडली ग्रीन फायर क्रैकर्स को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह लॉन्च किए हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, और आज बात करते हैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो नेम द प्लेयर हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर 100 T20 इंटरनेशनल मैचेज। वह कौन सी प्लेयर है जिन्होंने T20 में 100 मैच खेले हैं, यानी कि फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर है? ऑप्शन ए मिथाली राज, ऑप्शन बी मोनिका यादव, ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। मेरे प्यारे साथियों, जो भी आपका आंसर है, जो भी राइट आंसर है, उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट बॉक्स में मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथ ही साथ हमारे यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमारा यूवी कॉम्पिटिशन्स नाम से पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जीमेल पर भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। और इसके साथ साथ अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।